नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क हिंदी के एक और नए वीडियो में। होंडा गियर अप कर रहा है अपनी ऑल न्यू अमेज फेसलिफ्ट इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के लिए। अब ये जो गाड़ी है ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगस्त 17 2021 में कंपनी लॉन्च करेगी। और ये जो फेसलिफ्टेड वर्जन है इसमें कई सारे नए फीचर्स आपको अंदर और बाहर की तरफ मिलेंगे। चालू करते हैं गाड़ी के फ्रंट एंड से। तो इसमें आपको मिलेगा LED हेडलैम्प, रीडिजाइंड बम्पर्स और पॉसिबली इस गाड़ी को नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स भी मिल सकते हैं। एंड क्रोम के एलिमेंट्स चारों तरफ गाड़ी में मौजूद रहेंगे जो गाड़ी को एक अप मार्केट लुक देते हैं। अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। तो इंटीरियर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस गाड़ी को कि नई अपहोल्स्ट्री मिलेगी और उसके वजह से कैबिन को जो है एक फ्रेश फील, एक फ्रेश लुक मिलेगा। उसी के साथ कई सारे फीचर्स नए होंगे और ऐड किए जाएंगे। कंपनी की तरफ से अभी कोई भी फीचर्स को मेंशन नहीं किया है जो भी मतलब इसमें ऐड किए जाएंगे गाड़ी में, बट आपको अंदर की तरफ काफी सारे चेंजेस मिलेंगे पुराने अमेज से। बात करते हैं प्राइसिंग की। तो जो करंट जनरेशन वाला अमेज है वो प्राइस्ड है 6.22 लाख से लेकर 9.99 लाख एक्स शोरूम इंडिया। और ये जो फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च होगा ऑब्वियसली इसका प्राइस ज्यादा होगा करंट जनरेशन से। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके प्राइसेस कुछ 25,000 रुपए से बढ़ेंगे। तो तब जाके होंडा अमेज की प्राइसिंग चालू होगी 6.5 लाख एक्स शोरूम से। अब बात करें इसके इंजन ऑप्शंस की, तो अमेज को दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं, एक 1.5 लीटर का ID.TECH डीजल इंजन और एक 1.2 लीटर का ID.TECH पेट्रोल इंजन। अब जो डीजल इंजन है वो प्रोड्यूस करता है 98 BHP ऑफ पावर एंड 100 Nm ऑफ पीक टॉर्क। और ये मेटेड है एक 5-speed मैनुअल या फिर आपको एक CVT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का भी ऑप्शन अवेलेबल मिलेगा। दूसरे हाथ पे जो 1.2 लीटर का पेट्रोल ID.TECH इंजन है वो प्रोड्यूस करता है 88 BHP ऑफ पावर और 110 Nm ऑफ पीक टॉर्क। और गियरबॉक्स के ऑप्शंस भी पेट्रोल वेरिएंट में सेम है, आपको मिलेगा एक 5-speed मैनुअल या तो फिर एक CVT ऑटोमेटिक का ट्रांसमिशन जो कि ऑप्शनल है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का न्यूज? अगर आपको न्यूज पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और ऐसे ऑटोमोटिव कंटेंट देखने के लिए हिंदी ड्राइव स्पार्क को फॉलो करना मत भूलिएगा।